मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय संगठन पे, कि जिस जैसे उन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई थी, इस बार उसी तरह से मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को सफलता की ओर ले जाएंगे। आज पहली बार दौरे पर किस तरीके का दौरा रहने वाला है, क्या रणनीति तैयार है? सर, मैं आज पहली मीटिंग हमारी उनियारा में है, तो उनियारा में संगठन के लोगों से, जन वो नहीं है, कार्यकर्ताओं से मीटिंग है, उनियारा ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, उनसे मीटिंग करूंगा। फिर तो उसके बाद मैं दूनी जाऊंगा, दूनी में वहाँ की दूनी तो बड़ा कस्बा है, वहाँ के समस्त कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं से उनसे बात करूंगा, उनके सुझाव लूंगा, और तत्पश्चात देवली में देवली ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं, उनसे संपर्क करके उनके सुझावों के मुताबिक आगे की तैयारी करेंगे, किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोनापुरिया, चुनाव प्रभारी रमेश तिजोड़ी, कुछ बैसला सहित बड़े बड़े धुरंधर घूम रहे हैं, और आप आज पहुंचेंगे किस तरीके से? सर, मैं ना धुरंधर हूँ, मैं एक सीधा सा आदमी, पर वो जैसे हैं, जैसे आप लोग उनको बेहतर जानते हैं, मैं किसी के बारे में खासतौर से जो मेरे विपक्षी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पे, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस देश में शांति रहे, भाईचारा रहे, जैसे राहुल जी कहते हैं नफरत के बाजार में प्यार की मोहब्बत की दुकान, हम लोग उस सिद्धांत के हैं, नफरत करेगा उसके हाथ जोड़ेंगे, पीटेगा उसके भी हाथ जोड़ देंगे, पर उससे बच के निकलेंगे। हम उस देश को जातिवाद में, धर्म के सांप्रदायिक राजनीति में नहीं ले जाना चाहते। हमको सब हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इसका बराबर का हक है देश में रहने का, और सम्मान के साथ उसको रहने का हक है। हम कभी जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा नहीं फैलाएंगे। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, पर जातिवाद का विरोध करते हैं। कोई भी पार्टी सब जातियों से मिलकर, सब धर्मों से मिलकर पार्टी बनती है, एक जाति विशेष से अगर कोई पार्टी, ना तो मैंने देखा है ऐसा, और ना सफलता मिलती। और जनता समझदार है सर, सब जानती है किसी की सोच क्या है, विचार क्या है, क्रियाकलाप क्या है, इतिहास क्या है। मैं आशा करता हूँ कि देवी न्यारे की जनता समझदार है, निर्णय अपना गुणवत्ता पे, काबिलियत पे, काम पे करेगी। देखिए सर, दूसरी बारे में, पहली बारे में कई ऐसे आपके सपने थे जो अधूरे रह गए, वो किस तरह के मुद्दे हैं जिनको आप पूरा करने की कवायद करेंगे, क्या टारगेट रहेगा, किस तरह का विजन रहेगा इस चुनाव को? सर, मेरा हरदम ये विश्वास रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को अगर तरक्की करनी है तो सर्वप्रथम उसको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। शिक्षा के बिना कोई विकास संभव ही नहीं है। तो मेरा तो यही रहेगा, जितनी कॉलेज खुली, हायर सेकेंडरी खुली, जितने और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, उसको और बढ़ाएं। हमारे युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को शिक्षा का जब मौका मिलेगा, और जब योग बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, वो खुद का रास्ता खुद तय कर लेंगे, उनको किसी नेताओं की पार्टी की जरूरत नहीं। ये मेरी सोच है। रोजगार को लेकर किस तरह का? सर, पिछली बार आप बताइए, अभी हमारे देवली में औद्योगिक क्षेत्र है, पिछले मेरे कार्यकाल में आपने उनियारा में खुलवाया, अब मैं कोशिश करता हूँ और खुले, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उद्यमियों को उद्योग लगाने का मौका मिले, और उसमें हमारे लोगों को काम करने का मौका मिले, ताकि क्षेत्र से बेरोजगारी दूर। देखिए, बार बार एक चर्चा का विषय था कि हरीश जी मीणा अपना विधानसभा क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं, वो बामनवास जाना चाह रहे हैं, टिकट में देरी भी, क्या कहेंगे, क्या सर? मैंने कभी भी मेरी पार्टी के सामने ऐसा अनुरोध नहीं किया, कभी कोई व्यक्तित्व नहीं दिया। बामनवास वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, मेरा जन्म बामनवास में हुआ, मैंने बामनवास से चाहे लोकसभा की राजनीति हो, चाहे विधानसभा की हो, मैं कभी वहाँ नहीं करी। हाँ, मेरा गांव में जाता हूँ, मैंने पार्टी को स्पष्ट कह दिया था कि भाई मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ, मैंने जनता में काम किया, 5 साल काम किया है, और मैं चाहता हूँ आगे सेवा करता रहूँ जनता। घोषणा के बाद कुछ लोग उठे हुए हैं, तो कैसे मनाएंगे? ये मेरा फर्ज है, जो पार्टी से नाराज है उनको भी मनाऊंगा, जो मेरे से व्यक्तिगत नाराज है किसी क्रियाकलाप के कारण, कोई 5 साल में हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है उसकी, वो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी के मिशन को आगे बढ़े। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है, जिसका नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कर रहे हैं। हम उन्हीं के नेतृत्व में अनेक बार कह चुके हैं सब जगह, ना कोई पायलट गुट है, ना गहलोत गुट है, सब लोग तो कह रहे हैं सब एक साथ है, कांग्रेस पार्टी है, एक साथ ही लड़ेंगे। पिछली बार भी पायलट साहब यहाँ से थे, पिछली बार भी उनको घेरने की कोशिश करी थी, जनता ने फैसला कर दिया, 50,000 वोटों से जीते, तो भी आसान जीत नहीं है। अपने यहाँ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जब जनता चाहती है, प्रजातंत्र में वही होगा जो जनता की इच्छा होगी, और जनता समझदार है, मुझे जनता में पूरा भरोसा है। पिछली बार 21,000 वोटों जीते, इस बार क्या उम्मीद है? जितना जी सर, हम तो जनता का आशीर्वाद मांगते हैं, अब जनता कितना आशीर्वाद देती है जनता जाने, और हमारी कोई करनी में कतरी में कोई फर्क नहीं।
क्योंकि दल बदल बड़े पैमाने पर चल रहा है दोनों पार्टियों में, साथ ही विरोध भी अंतर विरोध भी काफी है दोनों पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर। भाजपा ने कुछ कंट्रोल किया है, कांग्रेस अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही, दिल्ली में प्रदर्शन। अब मैं इसके बारे में पूरे प्रदेश के बारे में तो मैं कह नहीं पाऊंगा, पर देवली उनियारा विधानसभा का कोई आदमी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई दिल्ली नहीं गया, कोई जयपुर नहीं गया, तो मैं मानता हूं कि सब ने जो पार्टी ने निर्णय किया था उसको स्वीकारिया। कर्नल किरोड़ी जयसुदा के बेटे से आपका मुकाबला विजय, कितना मुकाबला मुश्किल नेक टू नेक मानना? कोई चुनाव आसान नहीं होता, मुकाबला मुकाबला होता है, पर दो व्यक्ति नहीं लड़ते, दो परिवार नहीं लड़ते, दो जातियां नहीं लड़ती, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक कांग्रेस के भाईचारे की, प्रेम की, विकास की राजनीति, वहाँ हिंसा की, तनाव की, भय की, उस राजनीति का हम विरोध करते हैं। राजनीति में हिंसाकार विवाद का तो कोई स्थान ही नहीं है, राजनीति तो भाईचारे की है, विचार की है, विचारधारा की है, विकास की ये राजनीति होती है, वो कांग्रेस पार्टी करती है, उसका मैं प्रतीक। क्योंकि सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र है आपका, खासतौर से बीसलपुर डिस्ट्रिक्ट की पंचायतें थी वो आपके इस फैसले के विरोध में हैं कि आपने उनको केकड़ी जिले में नहीं मिलने दिया, आपने उनको रोक दिया, और ये वहाँ आपका मूल रूप से विरोध अभी तक भी है, और आपको उसी क्षेत्र में वापस वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्या करना है? जिला बनाना कोई एमएलए जिला नहीं बनाता, एमएलए सरकार बनाती है, और वो प्रशासकीय फैसला है, कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। सरकार ने क्यों केकड़ी को जिला बनाया, ना तो मेरे से पूछा, ना हम मेरी कोई राय मांगी, और किस क्षेत्र को उसमें मिलाना है मेरे से किसी ने पूछा नहीं, ना क्षेत्र की जनता ने कभी कहा कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, ना सीएम साहब ने कुछ कहा मुझे, तो जो जनता ने मुझे फैसला किया मैं तो उसको स्वीकार करता हूँ, वही सर्वोपरि है। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि आपने उनको कैसे, जो भी मैं कह रहा हूँ ना, हर आदमी को जो मेरा विरोध करता है, विरोधी पार्टी का भी अगर वो सदस्य है, उसको भी मनाऊंगा कि भाई विकास के नाम पर वोट दो, भाईचारे के नाम पर वोट दो, विरोध के नाम पर नहीं। थैंक यू सर।